राज कुंद्रा को अडल्ट फिल्म प्रोड्यूस करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक एक्ट्रेस राज कुंद्रा के हक में सामने आई है। उनका कहना है राज कुंद्रा पर जो इल्जाम है वो इंतहाई बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्जाम है। उसका कहना था जैसी फिल्म राज कुंद्रा बना रहा था वैसी फिल्में माजी में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण भी बना चुकी हैं, लेकिन मुंबई पुलिस की आज तक ना तो ये चुनौत हुई है कि वो शाहरुख खान को हाथ लगाए या दीपिका पादुकोण को गिरफ्तार करें। और उन्होंने ये भी कहा नाजरीन कि यशराज चोपड़ा और सनी लियोनी भी बहुत सी फिल्मों में काम कर चुके हैं और इन्हें तो किसी ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। ये दोगली पुलिस सिर्फ राज कुंद्रा के साथ ही क्यों है? नाजरीन ये एक्ट्रेस खुलकर राज कुंद्रा के हक में बोली है और उन्होंने नाजरीन से गुजारिश की है कि तमाम लोग पहले वो फिल्में देखें जिनके इल्ज़ाम में राज कुंद्रा को जेल हुई है और वो 23 जुलाई तक जेल में रहेंगे। पहले वो फिल्में तो देखें, उसमें ऐसी क्या बात है, क्या डल्स है जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन नाजरीन हम आपको बताते चलें, मुंबई पुलिस ने 2 ऐसी एप्स जो हैं वो इंकशाफ किया है कि राज कुंद्रा ने बनाई हुई थी, जिस पर राज कुंद्रा इंतहाई फौश मवाद डालते थे और जिन पर लाखों रुपया वो दिनों के हिसाब से कमा रहे थे। अभी राज कुंद्रा 23 जुलाई तक जेल में रहेंगे, तब तक ये और नए इंकशाफात होने का अंदेशा है। शिल्पा शेट्टी के शोहर वैसे तो हीरों के ताजर होने के नाते बहुत मशहूर हैं, लेकिन नाजरीन हीरों की आड़ लेकर वो ऐसा घरौना जुर्म कर रहे थे किसी ने अभी तक सोचा नहीं था। तमाम मुंबई के लोग अपने कानों को हाथ लगा रहे हैं कि हीरों के ताजर किस तरह इतना घरौना जुर्म कर सकता है। इंतहाई कम उम्र लड़कियां और बॉलीवुड में नई एंट्री मारने वाली लड़कियों को फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर राज कुंद्रा अपनी फैश ऐप के लिए उनसे वीडियोस बनवाता था और उसके बदले उनको पैसे देता था, जिस पर बहुत से लड़कियों ने यही रास्ता चुना और फहश फिल्में शुरू कर दी बनाना, और जिस वजह से बहुत सी कम उम्र लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो गई। नाजरीन आपको ये जानकर कि शिल्पा शेट्टी के शोहर इतना घनौना जुर्म कर रहे थे कैसा लग रहा है? तमाम इंडिया गम में डूबा हुआ है कि ये लोग इतना घनौना जुर्म कैसे कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये राज कुंद्रा के बारे में मनगढ़ंत कहानी है या राज कुंद्रा वाकई ऐसा घनौना जुर्म कर सकता है, और क्या राज कुंद्रा को सजा होनी चाहिए, वो जेल में उम्र कैद होना चाहिए या उसको रहा कर देना चाहिए? अपनी राय के इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए ताकि राज कुंद्रा जो भी फैसला आप चाहते हैं उसका हकदार ठहरे। अब तक के लिए इतना ही, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आपको फर्दन फर्दन अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा।